गुड इवनिंग शशि सर। आयुष जी गुड इवनिंग। बस अभी जुड़ने वाले हैं, रडिन सर का फोन आया था, बस जुड़ जाएंगे अभी। ओके सर, ओके। रडेन सर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर। अभी पिछला सत्र अभी समाप्त हुआ है सर, बस ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, 2 मिनट। तो सर हम शुरू कर रहे हैं। शुरू किया जाए। जी सर, नमस्कार। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली और महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबंदर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और हिंदी के प्रख्यात लेखक श्री रणेंद्र जी। आपके ऊपर प्रशासन की भी जिम्मेदारियां हैं, लेखन में भी आप सक्रिय हैं, और मैं तो कहूंगा कि लेखन में सबके लिए एक मिसाल की तरह हैं, और तमाम समाज सेवा वगैरह की भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आपने समय निकालकर इस आयोजन का जो मान बढ़ाया है, हम आयोजन समिति की ओर से आपका इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। पूरे 2 दिन इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहे हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबंदर के प्राचार्य डॉक्टर बी प्रभुराम जी। बी प्रभुराम जी मूलतः तमिल भाषी हैं, लेकिन मेरी हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। यह पूरा महाविद्यालय आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से, मैं कहूंगा कि अकादमिक रूप से सक्रिय हुआ है, और जेडीएमसी से जुड़ने के बाद तो मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं आज के इस समापन सत्र में अपने प्राचार्य डॉक्टर बी प्रभुराम जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की उप प्राचार्य हिंदी की प्रोफेसर प्रोफेसर संध्या गर्ग जी का भी आज के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रोफेसर संध्या गर्ग को हम पिछले सत्र में सुन चुके हैं, काफी अच्छा पेपर था आपका। जेडीएमसी और एमजीजीसी परिवार के सभी सदस्यों एवं समापन समारोह में जुड़े सभी संगोष्ठी प्रेमियों का मैं आयोजन समिति की ओर से, दोनों महाविद्यालयों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2 दिनों में इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 50 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए, 10 से अधिक विषय के आधिकारिक विद्वानों ने अपनी बात रखी। इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया है महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में
कॉमर्स डिपार्टमेंट की एचओडी और आईक्यूएसी सेल की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजिता नरेंद्रन ने, मैं बेहद आदर के साथ डॉक्टर अजिता नरेंद्रन को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पूरी संगोष्ठी का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। डॉक्टर अजिता नरेंद्रन। Good evening, everyone. Respected Chief Guest, Shri Ranendra IAS Director, Dr. Ram Dayal Munda, ST Welfare Research Institute, Ranchi, and a renowned eminent Hindi writer, Professor B. Prabhuram, Principal Mahatma Gandhi Government College, Professor Swati Pal, Principal JDMC, Dr. Sandhya Garg, Vice Principal JDMC, and all other dignitaries, research scholars, and students connected to this seminar across different states of our country. Today, I'm going to present a report for the two-day online national seminar organized by Janaki Devi Memorial College, New Delhi, in collaboration with Mahatma Gandhi Government College, Andaman and Nicobar Islands, under Vidya Vistar Scheme, on the theme, Tribes, Learning and Unlearning Tribal Culture, which began with the inaugural session. Dr. Shilpa Chaudhary, Coordinator IQAC and Nodal Officer of Vidya Vistar Scheme, Janaki Devi Memorial College has extended her warm welcome to all esteemed guests. Professor Swati Pal, Principal, Janaki Devi Memorial College, congratulated both the colleges for their great effort for conducting such a collaborative national seminar for the first time under the shade of Vidya Vistar Scheme. She added that this seminar would help to overcome exotism, peculiarities, and stereotypes associated with the representation of tribal people in their respective culture. Professor B. Prabhuram, Principal, Mahatma Gandhi Government College, Mayabandar, has expressed his gratitude for having such a collaborative session with other colleges and stated that such collaboration will definitely provide more ways to get more exposure to all such communities. He added that money is not the only key to happiness. Tribes believe in working less and spending good and quality time with family and friends. He stated that tribes are having a strong relationship with their community. Professor Ratnabali, Dean of Academic Activities and Projects and Coordinator of Vidya Vistar Scheme, University of Delhi, in her address stated that this is the birth of collaboration and a baby step towards academic development. She stated that tribes constitute 8.6% of the total population and they cover 15% of area, but 1/3 displacement caused by development are borne by the tribe. She added that if they are removed from their land, they will lose their identity. Hence, sustainable practices need to be developed so as to preserve this ethnic group. Dr. Ruby Bhadwaj welcomed and introduced our keynote speaker, Padma Shri Professor Anvita Abhi, Center for Linguistics, JNU, and invited her for the keynote address. Professor Anvita Abhi stated that she worked among the tribes extending from the Himalayas till the South Andamans. She had made a presentation entitled The First Voice of India, Our Pride and Prejudice. She added that they are the underdeveloped traditional people in India. And in India, they have different names like Adivasi, Jungli, etc. But in Nepal, uses nationalist and Pakistan uses the term ethnic group for tribes. She had shared a lot of her tribal research contributions and shared the books she had published. She learned so many words of tribal people and shared the same with the house. She concluded by stating that we think that our tribals do not know anything about, but they have dense knowledge when we actually get into their language as well as culture. The inaugural session concluded with a vote of thanks proposed by Dr. Charukala, Coordinator, JDMC, to all the distinguished guests for sharing their experiences, views, and knowledge on tribal people. Session one of day one started soon after the inaugural session. The theme of the session was tribal culture. This session was moderated by Dr. Charukala, Associate Professor, Department of Sociology, JDMC. She welcomed the chairperson, retired Professor Roma Chatterjee, Department of Sociology, Delhi School of Economics. A total of 5 presentations were there. First presentation was done by Sangya Dubey, PhD scholar, Sarojini Naidu Center for Women's Studies, Jamia Millia Islamia, entitled Tribal Aspirations on Fabric. She discussed how Indian aboriginals had a wide range of cultural practices which were reflected in their dance, languages, and food patterns. The second presenter was Dr. K. Chalhang, Associate Professor, Department of Political Science, JDMC. And the title of her paper was
Kukrela in the contemporary world. She added Kukrela's peacemaking role in narrative in the Naga community. Third presenter was A. Kichu, a MPhil scholar, Department of History, University of Mumbai, who discussed the Ayo tribe of Nagaland. Fourth presenter was M.U. Mero, a research scholar in the Department of History, Nehu. Shillong spoke about the impact of headhunting on Naga arts. The fifth and the final presenter was Abhirami, A.V. from Christ University, Bangalore, entitled The Role of Parai in the Contemporary Types of Tamil Nadu. The chair congratulated all the participants and asked them to further explore more in the respective areas of their research. The session concluded with a vote of thanks proposed by Dr. Charukala, Associate Professor, Department of Sociology, JDMC. The theme of second session was tribal ethnographies. The session was moderated by Dr. Ajita Narendran, IQAC coordinator, Mahatma Gandhi Government College. She welcomed the chairperson, Professor Sudha Vasan, Department of Sociology, Delhi School of Economics. A total of 5 presentations were there. First presentation was done by Dr. Nilanjan Khatua, Superintending Anthropologist, Anthropological Survey of India, Andaman and Nicobar Regional Center, on the topic Vanishing Tribal Culture, a case of the Great Andamanese Tribe of the Andaman Islands. The second presenter was a joint presentation by Dr. Jake Gill, Associate Professor, Department of English, JDMC, and V. Rajalakshmi, Associate Professor, Department of Sociology. The title of their paper was Witch Hunting as Gender Violence. The third presentation was also a joint one by Aditya PK, Social Work Trainee Center, Center for PG Studies in Social Work, University of Calicut, and Dr. Anish MS, Assistant Professor, Department of Social Work, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, MC Kaladi, on socio-cultural transformation of Puttunayagan tribal community in Wayanad district. Fourth presenter was Dr. Vandana Madan, Associate Professor, Department of Sociology, JDMC. Her paper entitled A Priest and a Prince, Reflexivity, Biography, and Defining the Other. Her presentation signified fieldwork, the weaving of the personal, professional, and political, as each being the part of the life of the other. The fifth and the final presentation was from K.H. Neil Young, PhD scholar, Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi. His paper entitled Drifting with the River Flood and Everyday Living of the Mishing Tribal in Majuli Island, Assam. The chair congratulated all the participants and made relevant suggestions to the participants to carry forward their research to greater heights. The session concluded with a vote of thanks proposed by Dr. Ajita Narendran. The theme of the third session was health. The session was moderated by Dr. Anuj, Department of English, JDMC. He welcomed the chair, Professor Lam Khan Piang, Department of Sociology, School of Social Sciences, University of Hyderabad. A total of 4 presentations were there. The first speaker for the session was Amulya Gurung, research scholar, University of Delhi. He presented his paper on the theme of tribal culture in the light of resilience through the pandemic. His paper therefore highlighted the tribal health practices during the pandemic. The second paper presented by Neemkar Anusha, research scholar, Department of Anthropology, University of Hyderabad. The title of the paper was Utilization of IT-enabled medical innovations in healthcare services, an anthropological understanding of the tail medicine among the Savaras of Sitampita Mandal, Srikakulam district, Andhra Pradesh. The third paper in the session was presented by Sudeshna Biswas, PhD scholar, Department of Anthropology, University of Delhi. The title of the paper was The Bee Healer and the Specialist Ethnographic Study from Raghunadapura, Udaipur, Rajasthan. The presenter talked about the biological and cultural factor of the health measures among the community. The last paper in the session was presented by Dr. Ruby Bhadwaj, Associate Professor, Department of Sociology, JDMC. The title of the paper was Tribal Health Policy, Some Observations. The presenter focused on the ethnomedicine, traditional medicine, and its link with ecology, social, and cultural belief system of particular community. At the end of the session, the papers were commented upon and appreciated by the chair. Professor Piang, he summarized all the 4 papers and gave his valuable feedback on all the presentations and added more exposures to the topic. Mr. Anuj Kumar presented the vote of thanks and thanked the chair, speakers, and the audience for being a part of the session. The theme of session 4 was state polity, backwardness, and development. The session began with a welcome note by moderator Dr. Renuka Singh, Assistant Professor, Department of Political Science, JDMC, followed a brief introduction of the chair, Professor Nilika Mehrotra, Center for the Study of Social Systems, JNU, New Delhi. The first paper was presented by Makhol Gangmai, Assistant Professor, Department of Economics, Tamenglong College, Manipur, on the topic, the role of local government, Autonomous District Council in the development of tourism, handicrafts, traditional and cultural heritage of the indigenous tribes of Tamenglong District, Manipur.
The second paper was presented by Dr. Tripti Basi, Assistant Professor, Department of Elementary Education, Lady Shriram College for Women, University of Delhi, titled Tribes of Andaman and Nicobar Islands, Educational and Cultural Contest. The third paper was presented by Krishna Kumar Sharma, a research scholar from Nehu, Shillong, Meghalaya, on the topic Transformation from Ethnic Culture to Buddhism, the Past and the Present of Members of Arunachal Pradesh. Mr. Sharma discussed about the history, culture, social and political, economy and geographical conditions of tribes of Arunachal Pradesh. In fourth paper titled Impact of Government Laws and Colonial Invasion on the Tribe of Andaman and Nicobar Islands, presented by Ms. Nisha Shrikdar. Fifth and final presentation was done by Ms. Vinita Osin, Assistant Professor, Andaman College, titled Foster Care Making an Extraordinary Impact on the Life of the Needy. The presentation made an attempt to discuss contemporary ways of life of the Nicobaris tribal communities of Nicobar Islands. She focused on the encouragement, normalization, popularization of fostering in the tribal culture. The chair at the end of the session gave feedback on all the five papers, asked the paper presenters to go through core literature to bring solidness in their research. She discussed the constitutional provisions that facilitate rights for tribe. She also focused on the role of NGOs headed by tribal persons that are playing an important role in the empowerment of tribal communities. The session ended with a vote of thanks proposed by Dr. Renuka Singh, assistant professor from the Department of Political Science, JDMC. The theme of session 5 was Beliefs and Practices. The session began with a welcome note by Dr. Ruby Bhardwaj, associate professor, Department of Sociology, JDMC, followed by a brief introduction of the chairperson, Professor Vibhuti Bhushan Mohanty, Dean, Social School of Social Sciences and International Studies, Pondicherry University, Puducherry. The first paper was presented by Dr. Roshan Khalko, Assistant Professor, Department of Philosophy, Jesus and Mary College, University of Delhi, on Moral Philosophy Among the Tribes of Chota Nagpur. The presenter began with the definition of Adivasi and threw light on the practice of moral philosophy in the tribes of Chota Nagpur. The second paper was presented by Dr. Dolly F. Murmu, Associate Professor, Lady Irwin College, University of Delhi. The title of the paper was The Significance of Baha Festival Among the Sandal Tribe of Jharkhand. The presenter began her presentation with an introduction of Baha Festival, defining the word Baha as flowered, a symbol of love and progress, which is celebrated among the Sandal tribe at communal level. The third paper was presented by Ms. Durba Mandal, JNU, on human sacrifice, semi-divine deities and exotic rituals, exploring the representations of tribal cultures in popular Bengali thrillers genre. The presenter commented by stating her aim of study, that is to analyze the representation of tribal cultures and practices in popular Bengali thriller fiction. The fourth paper was presented by Asha, Faculty, Department of English, Andaman College. The title of the paper was Tuheg. The presenter began with a description of Tuheg, which is a word in Nicobarese language, meaning a group of family living together. The fifth paper was presented by Mr. Vinay Brandon, PhD Research Scholar, Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi. The title of the paper was Banking on the Tribe. The presenter talked about the indigenous money, tribal money. The chair appreciated the efforts put forth by the various speakers and the organizers of the session. Professor Mohanty was of the view that one should not see tribals as isolated entities if a country aspires to have an inclusive growth and holistic development. The last session of the day one concluded with a vote of thanks proposed by Dr. Ruby Bhardwaj, JDMC. Report of day two. Session one of day two was moderated by Sri Bidubhushan Mandal, Assistant Professor, Department of English, MGGC. He welcomed the chair by Anantara. Welcome the chair, Dr. Anantara Datta, Associate Professor, Department of English, JDMC. The theme of the session was literary representations. There was total six papers. The first paper entitled Tribal Subtan Narrative, an Examination of H.S. Shekhar's The Adivasi Will Not Dance, was presented by Shubhangi Thakur, Assistant Professor, Department of English, Parvati Bai Chaugulay, College of Arts and Science. The second paper entitled Mimicry, Destroying Indigeneity, a Post-Colonial Approach with Reference to River of Stories by Orijit Sen, was presented by Father Carlos Luis, Head Department of Arts and Humanities, St. Vincent Palotti College. The third paper was presented by Sneha Savai, Assistant Professor, Kalindi College, entitled Voices from the Margins, an Eco-Critical Reading of Mamang Dai. The fourth paper was entitled Resistance, Performance and Cultural Labor, Reading Mahasweta Devi's The Right of the Forest and Choti Munda and His Arrow, presented by Shrestha Bhattacharya Center for English Studies, JNU. The fifth presentation was given by Sneha Umari, Parvati Bhai Chaugulay College of Arts and Science. The title of a paper was The Post-Colonial Reading of Gone
Goan tribes through personal narratives. The sixth and final paper of this session was put forth by Glacia, Department of English, Parvathibhai Chowgule College of Arts and Science, on the topic Myth and Development in Andaman and Nicobar Islands, Tribal Communities, as seen in Pankaj Shekhsharia's The Last Wave, an Island Novel. The chair congratulated all the paper presenters for putting forth their vibrant, thought-provoking and doing in-depth study in their respective areas of research, and also added that the presenters had shown a strong and passionate face giving voice to the ethnic groups. The session was concluded with a vote of thanks proposed by Sri Bidubhushan Mandal, assistant professor from the Department of English, MGGC. Session 2 was moderated by Dr. Bijoyita Yonjin, assistant professor, Department of Sociology, JDMC. The theme of this session was contemporary concerns. She welcomed the chair, Professor Amarjit Singh, honorary director, Center for Northeast Studies and Policy Research, Faculty of Social Science, Jamia Millia Islamia. There was about 5 papers. The first paper was a combined paper entitled Contextualizing the Teaching in English for the Tribal Learners, was presented by Professor Anand Mahanand, Department of Materials Development, Testing and Evaluation, School of English Language Education, English and Foreign Languages University, and Panchanan Duriya, Lecturer in English and Foundation, ESMRC College. The second paper entitled Assessing the Role of Asur Tribes of Jharkhand is in Revival of Decaying Language by Adiba Fiaz, Assistant Professor, Department of English, AMU. The third paper was presented by Dr. Bharati Biswas, Associate Professor, Department of English, Dyal Singh College. Her paper was on representing the tribal, fostering Dalit Bahujan solidarity. The fourth paper was entitled Primitive Vulnerable Tribes in Andaman, the Security and Survival, presented by Dr. Swapan Kumar Biswas, Associate Professor and Head Department of Political Science, MGGC. The fifth presentation was given by Mrityunjay Kumar, Research Scholar, Faculty of Law, University of Delhi. He deliberated on access to justice in the tribal societies. The chair congratulated all the paper presenters for their fruitful contribution towards contemporary concern. Various aspects of tribal population had been discussed. He added that tribals from Andaman and Nicobar Island is different from the central and northeastern part of the country. The session was concluded with a formal vote of thanks proposed by Ms. Bijoyita Yonjin. The third session was moderated by Dr. Sashi Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Hindi, Mahatma Gandhi Government College. He welcomed the chair, Padma Shri, Professor Usha Kiran Khan, Department of History, Patna University. The theme of the session was Samkalin Sahitya Evam Media Mein Adivasi Vimarsh. There was a total of 5 papers. The first paper entitled was presented by Professor Sandhya Garg, Department of Hindi, JDMC. The second paper entitled Dinbala Putul Ki Kavita Mein Stri Sanvedna was presented by Vinita Rani, Associate Professor, Department of Hindi, JDMC. The third paper was presented by Dr. Nisha Malik, Associate Professor, Department of Hindi, JDMC, entitled Hindi Cinema Mein Adivasi Samaj Ki Sthiti. The fourth paper was entitled Adivasi Vimarsh Aur Samkalin Hindi Kahani, presented by Poonam Yadav, Associate Professor, Department of Hindi, JDMC. The fifth and last presentation of the session was given by Dr. Vandana Chaube, Assistant Professor, Department of Hindi, Arya Mahila PG College. The title of a paper was Kala Sahitya Aur Sanskriti Mein Adivasi Jan Jeevan Ki Bhumika. The chair congratulated all paper presenters for putting forth their work on literature on different tribes, and she stated that they have said so many things within the allotted time limit. She stated that she has also got the chance of working in the tribal area and encouraged all the participants. The session concluded with a vote of thanks proposed by Dr. Sashi Kumar Singh, Assistant Professor, MGGC. Session 4 was moderated by Dr. Ankar Dhar, JDMC, the theme of which was literary and visual representations. Dr. Ankar Dhar has welcomed the chair, Professor Sanjay Hazarika, Director, Commonwealth Human Rights Initiative, Delhi. A total of 6 papers were presented by Priyanka Naik Desai, Jisha Ponachan, Aisha Femin, Vasundhara Gautam, Sham Liang Wung Hanzo, Joya Ribello had made their deliberations on different aspects of the theme in a constructing way. The chair has concluded by congratulating all the presenters and had given comments on suggestions to explore more in their respective areas of research. Session 5 was moderated by Pauri, JDMC, the theme of which was history and colonialism. Dr. Pauri has welcomed the chair, Dr. Sangeeta Das Gupta, Associate Professor, Center for Historical Studies, School of Sciences, JNU. A total of 4 papers were presented by Dr. Madhvi, JDMC. Ashmita Khalko, Magad University, Dr. Sanjukta Naskar, JDMC, and the final paper of this online seminar was presented by Bishnu K. Gurung, a PhD scholar, Neho. The paper presented by each participant was more elaborative, and it reflected the in-depth study about the history and colonization. The chair has concluded by appreciating for having very rich presentations. She added comments and suggestions for further research in the field. The final session of 2 days online national seminar concluded with the vote of thanks proposed by Dr. Pauri, JDMC. A
A total of 50 paper presentations were there in this online seminar. All the sessions were followed by very good interactive sessions and elaborative discussions were done on all things. Participants shown their keen interest on this ethnic group and brought forward all their queries before the house. Kindly excuse me if I have wrongly pronounced the names, paper names mentioned in the reports. Lastly, I would like to thank JDMC and NGGC team for giving me this wonderful opportunity for presenting the report of 2 days online national seminar. Thank you. Thank you. Thank you one and all. बहुत बहुत आभार डॉक्टर अजिता नरेंद्रन जी, आप पर दोहरा दबाव दिख रहा था। एक तो मेजबानी का दबाव है कि तमाम लोगों को बिठा करके हम अपनी ही तारीफ करते जा रहे हैं कि दो दिनों में क्या हुआ, तो एक तो मेजबानी का दबाव और ऊपर से समय का दबाव, लेकिन इन दोनों दबावों का बखूबी सामना किया है डॉक्टर अजिता नरेंद्रन ने। और डॉक्टर अजिता नरेंद्रन के इस रिपोर्ट से हम इस संगोष्ठी की वैचारिक समृद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत आभार मित्रों। महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बी प्रभुराम जी 1992 में यूपीएससी से लेक्चरर होकर के निकोबार में आए। मैं बता दूं कि हमारा जो कॉलेज अभी अंडमान में है वह पहले निकोबार में था, कार निकोबार में 1992 में स्थापित हुआ, 90 में स्थापित हुआ, और 92 में प्राचार्य जी आए लेक्चरर बन करके। और उसी समय वहां के जो निकोबारी जनजाति के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमको कॉलेज नहीं मानता। और प्राचार्य जी बताते हैं कि कैसे रातों रात पूरे कॉलेज की जो सामग्री थी वह बोट पर लादी गई और कॉलेज को यहां शिफ्ट करना पड़ा 1994 में। लेकिन 1992 से लेकर के और आज 2021 के बदलाव के साक्षी रहे हैं प्राचार्य जी, और काफी कुछ बदला है। आज ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिसमें निकोबारी समुदाय के साथी न हो। मैं बेहद आदर के साथ महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बी प्रभुराम जी को आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर बी प्रभुराम जी सर। गुड इवनिंग ऑल प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, एस्पेशली द चीफ गेस्ट श्री रणेंद्र जी IAS। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार, सो इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। Only because of on our part, because of my team members, now we could prove that the fish can fly, the fish can walk if there is a support. So Janaki Devi Memorial College, New Delhi, Professor Swati Madam, she was very kind enough. Even though we are staying in the remote place, she has taken us to the main path, main way. The program started with Dr. Silpa Chaudhary and going to end with IQAC nodal officer, JDMC, and going to end with Sri Budhibhushan Mandal with a vote of thanks, nodal officer, MGGC. I was very much impressed in some of the areas, tribal cultures, tribal ethnography, tribal beliefs and practices,
tribal health, history and colonialism. These areas were highly impressed, especially the starting. If there is a good start, the end will also be very good. Ratnabali ji, Professor Ratnabali, she has started the program with very good move. And I was highly impressed, and I have very good respect, personal respect for the contribution and experience of Professor Anita Abbi. She has taken much part. She gained much experience in the tribal studies and tribal cultures. So she could learn a lot of tribal cultures. So I am very happy. Here I would like to remain, I will not take much time. I would like to take on a small point which I generally observe because of this experience. Regarding tribal cultures, especially the first paper was regarding fabrics. Tribal handicraft is an option for the livelihood of tribal community, especially in the states of Arunachal Pradesh, Rajasthan, Uttaranchal, and Chhattisgarh. But in the absence of assured market, all the tribals sell their crafts in the weekly markets or important town areas. Their profits are nil. This is true. If cooperative societies are established or formed in the block level for advancing raw materials, and in return, their products are purchased by the cooperative societies, then only there is a ray of hope to these artisans as their livelihood options. This is my personal opinion. Regarding costumes and textiles of tribes have changed and still changing due to interaction of various social change factors. That is also true. I was very much impressed in the tribal ethnography, the topic, because fully I have observed the chairs, all the chairs are experts they have brought. All the chairs have impressed in all the topics. Regarding ethnography and folklore studies, they will help during designing of development programs for the underprivileged, especially Adivasi. I feel that Adivasi word is very respectable word because they are the first generation of this world. That's why they are Adivasi. And regarding tribal health community, when compared to mainstream people, I don't believe that their health is very good. Communicable diseases, maternal and child health problem, and malnutrition continue to prevail. We cannot neglect the fact. Even non-communicable diseases, because I have observed, including mental stress and addictions are rapidly increasing. This area should also be looking to for the unlearning of tribal culture, because many people forgot their culture. Again, they should go for a new learning, relearning of tribal culture for the betterment of their society. I do not want to review because Dr. Ajita Narendran has given the full picture, entire story of these 2 days. So I thank especially Janaki Devi, Memorial College, New Delhi, and my team of people, faculty members, those who have taken pain for these 2 days. With the permission of the chief guest, with the permission of the organizers, I thank you very much for this opportunity. Thank you. धन्यवाद सर, आप के इस मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए. और अब मैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, हिंदी के प्रोफेसर प्रोफेसर संध्या गर्ग जी को आमंत्रित कर रहा हूं. प्रोफेसर संध्या गर्ग जी,
मुझे याद है संध्या, वी आर वेटिंग फॉर यू. आप मुझे सुन पा रहे? यस, वी कैन हियर यू. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सभी को मेरा नमस्कार. आज दिन में दूसरी बार मुझे ये बोलने का अवसर मिल रहा है. इससे पहले के सत्र में मैं अपना पेपर प्रेजेंट कर चुकी हूँ. मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर स्वाति पाल, जैसा कि हम सभी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी तरफ से मैं इस संगोष्ठी की समाप्ति पर कुछ बातें आपसे कहना चाह रही थी. ये दो दिवसीय सेमिनार जो हमने आयोजित किया, लर्निंग एंड अनलर्निंग ट्राइबल कल्चर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज अंडमान निकोबार के सौजन्य से, दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या विस्तार योजना के अंतर्गत, अभी प्रोफेसर बी प्रभुराम जी ने भी इसके बारे में बताया कि रिमोट एरिया के कुछ विश्वविद्यालय, रिमोट एरिया के कुछ शैक्षणिक संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करके इस तरह की योजनाएं बनाना, इस तरह की शैक्षणिक सांस्कृतिक अकादमिक योजनाएं बनाना, ऐसे कार्यक्रम बनाना जिनसे कि शिक्षा के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पर हम आदान प्रदान कर सके, ये इस विद्या विस्तार योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है. हमारी प्रोफेसर प्राचार्य प्रोफेसर स्वाति पाल बहुत प्रारंभ से ही इस तरह की योजनाओं को लेकर बहुत उत्साहित रहती हैं कि दूसरे स्टेट से, दूसरी संस्कृति से, दूसरे शिक्षा की अन्य गतिविधियों से जुड़े जो छात्राएं हैं और उनके साथ हमारी छात्राओं का इस तरह का एक संयोजन रहे, हम आपस में एक दूसरे को जाने, जो कि शिक्षा का और ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भी है. केवल डिग्री लेना ही उद्देश्य नहीं है, हम नए कल्चर जाने, हम नए लोगों की संस्कृति को जाने, उनके रोजमर्रा के जीवन प्रणाली के बारे में जाने, ये भी एक ज्ञान प्राप्त करने का एक उद्देश्य होता है. तो सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर स्वाति पाल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह की एक टीम बनाई और हम सभी का पर्याप्त मार्गदर्शन किया. आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप ये मान के चलिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं ही है, नहीं तो वो सेमिनार से अनुपस्थित रहने वाले लोगों में से नहीं है किसी भी लेवल पे. संध्या, मैं उपस्थित हूँ लेकिन मैं बोल नहीं. हाँ, मैंने आपका नाम पढ़ा था, लेकिन जो दिन भर आप उपस्थित नहीं रह पाए, निश्चित तौर से आपकी स्थिति ठीक नहीं है. नहीं तो हमें आदत है मैम को दो दिन का भी सेमिनार हो तो उनकी सक्रिय जो भागीदारी रहती है, हम सब उसकी हमेशा प्रतीक्षा में रहते हैं. महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर बी प्रभुराम जी, जिन्होंने अभी मुझसे पहले आप सभी से बात की, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ. और उनकी जो पूरी टीम है, जो कि अजिता जी ने अभी पूरे दो दिन की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उनके नोडल ऑफिसर विधु मंडल जी, हमारी आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर और हमारी नोडल ऑफिसर शिल्पा चौधरी, इस सेमिनार की संयोजना करने वाली टीम जिसमें चारू कला सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से और डॉक्टर रूबी भारद्वाज जो हैं, जिन्होंने कि ये पूरे के पूरे पिछले कई दिनों से सतत वो इस प्रयास में थी कि ये किस प्रकार से इसे सफल बनाया जाए. और सभी सत्रों के जो अध्यक्ष रहे, जिन्होंने बड़ी पेशेंटली, बड़ी शांति से लोगों के प्रपत्रों को सुना और सुनने के बाद फिर अपनी राय भी दी. मेरे वाले सत्र में उषा किरण खान जी आई थी और बहुत मेरा सौभाग्य रहा कि इतनी बड़ी लेखिका से सेमिनार के माध्यम से मुझे प्रत्यक्ष बातचीत करने का अवसर मिला. और मैं ऐसा मानती हूँ कि
किसी भी सेमिनार की सफलता इस बात में होती है कि वो कुछ हमारी जिज्ञासाएं शांत करे और कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े भी कर दे, जिस पर आगे विचार किया जा सके। सारी जिज्ञासाएं शांत होना भी ज्ञान की उपलब्धि को रोक देता है। तो ये इस अर्थ में मैं सेमिनार के संयोजन को बहुत सफल मानती हूँ। जैसे कल प्रोफेसर अभी को जब सुना तो बहुत अच्छी पंक्ति लगी, किताबों में पढ़ी थी लेकिन बहुत अच्छी पंक्ति लगी आदिवासी समाज के बारे में, कि क्यों किस प्रकार से वो प्रकृति को जीते हैं। वो मानते हैं मैं खड़ा हूँ, मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ, और ये पेड़ खड़ा है तो ये भी प्रकृति का हिस्सा है, हम बराबर हैं। लेकिन हम शहरी जीवन में रहने वाले लोगों ने अपने आप को सुपीरियर घोषित करके और बाकी सारी प्रकृति को अपने अधीन मान लिया है कि उसे तो सिर्फ हमारी सुविधाएं जुटाने का काम करना है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो शायद ये आदिवासी जनजीवन एक बहुत बड़ा हमें संदेश दे रहा है कि अपना जीवन बचाए रखना है तो प्रकृति को बचाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। प्रकृति से जितना संसर्ग होगा, प्रेम होगा, उतना ही हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे ऐसे कथन रहे, बहुत सारी ऐसी बातें रही। निश्चित तौर से मैंने इस पूरे के पूरे आयोजन को एंजॉय किया, मार्गदर्शन लिया, और जैसे मैंने कहा कुछ प्रश्न भी मेरे सामने आए हैं जिन पर मैं कोशिश करूंगी कि अपने आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रपत्र लिखकर मैं उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकूं। एक बार फिर से आप सभी को, पूरी टीम को, शशि जी को बहुत सादर धन्यवाद। उपस्थित सभी सदस्य मैं जिनको स्क्रीन पे देख रही हूँ, स्वप्न कुमार जी हैं, अनुज जी हैं, और भी बहुत सारे जो प्रतिभागी और हमारे सहयोगी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जानकी देवी मेमोरियल परिवार की ओर से, प्रोफेसर स्वाति पाल की ओर से, पूरी टीम की ओर से इस शानदार संयोजन के लिए सभी को बधाई देती हूँ। और हम प्रतीक्षा में हैं प्रभु राम जी कि जल्दी ही स्थितियां ठीक हो और हम अंडमान आए और आप नई दिल्ली आए और हमारी छात्राएं और हमारी फैकल्टी हम आमने सामने टेबल पर बैठकर बात करें, एक दूसरे को और अच्छे से जाने, इसी प्रतीक्षा में और इसी इच्छा में आप सभी को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम संध्या गर्ग। मित्रों, जब इस संगोष्ठी जैसे जैसे करीब आ रही थी, हम लोग एक दिन बात कर रहे थे कि हम महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आदिवासी जनजीवन पर विचार विमर्श कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ी दूरी पर रहने वाले हमारे जारवा भाइयों को, निकोबारी भाइयों को, सेंटनलीज भाइयों को, ओंगी भाइयों को यह खबर होगी कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब नहीं में होगा। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए, आईएएस होते हुए, जहां जहां प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे, वहां उन्होंने आदिवासी भाइयों के बीच अपना समय गुजारा है। बल्कि मैं तो पढ़ रहा था कि पूरा का पूरा आप प्रशासनिक अमला लेकर के वहां उन गांवों में पहुंच जाते थे और कैसे उनके बीच रहते थे और उनके साथ जल जंगल जमीन की लड़ाई में बराबर एक संस्कृति कर्मी के रूप में सक्रिय रहे हैं। मित्रों, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री रणेंद्र जी प्राचीन भारत की शैक्षणिक राजधानी नालंदा जिले के रहने वाले हैं और वहीं 4 मार्च 1960 को आपका जन्म हुआ। 1988 में आप प्रशासनिक सेवा में आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं और आदिवासी जनजीवन को आधार बना करके ही आपने लेखन किया है। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें पंचायती राज हाशिए से हुकूमत तक का आपने संपादन किया है, झारखंड इनसाइक्लोपीडिया जो चार खंड में है उसका भी आपने संपादन किया है,
आपके तीन उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, ग्लोबल गांव के देवता, असुर जनजाति के जीवन संघर्ष पर आधारित है, गायब होता देश 2010 में आया था, यह मुंडा जनजाति के जीवन संघर्ष को आधार बना करके लिखा गया है, और अभी गुंगी रुलाई का कोरस का मैं कहूंगा कि हिंदी जगत में धूम है, आप के उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ जो लॉर्ड्स ऑफ ग्लोबल विलेज के नाम से प्रकाशित हो चुका है। आपके दो कहानी संग्रह रात बाकी एवं अन्य कहानियां, मित्रों रात बाकी जो कहानी है वह भी उसी जीवन संघर्ष से निकल करके आई हुई है, और जहां तक मैं जानता हूं रडन जी की ये पहली कहानी थी और कथादेश में 2006 में छपी थी, तब हम लोग रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे, और इस कहानी को कथादेश पत्रिका का प्रथम सम्मान मिला था, और तब से फिर रडन जी ने पीछे घूमकर नहीं देखा। इसके बाद 56 छुरी 72 पेच भी आपका कहानी संग्रह है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं आपका कविता संग्रह है, अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है, ग्लोबल गांव के देवता के लिए आपको 2010 में जेसी जोशी स्मृति जनप्रिय लेखक सम्मान से नवाजा गया, 2019 में वनमाली कथा सम्मान मिला, 2013 का बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान 2019 मिला, 2019 में आपको विमला देवी स्मृति सम्मान मिला, 2020 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, जिसके अंतर्गत मैं बता दूं कि 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, भी आपको प्राप्त हुआ, और इसी 31 जनवरी को आपको इस सम्मान से नवाजा गया था। अभी 4 दिन पहले आपको अमेरिका की एक संस्था ढींगरा फैमिली फाउंडेशन की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपके उपन्यास गुंगी रुलाई का कोरस को प्राप्त हुआ है। आप 1953 में स्थापित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के निदेशक भी हैं। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, लेखक, संस्कृति सरकर्मी और समाज सेवी आज के मुख्य अतिथि श्री रडेंद्र जी को बेहद आदर के साथ आज के वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री रडेंद्र जी सर। जोहार सबों को और नमस्कार झारखंड से। विशेषकर जो प्राचार्य उपस्थित हैं, जो अभी प्रोफेसर बी प्रभु राम जी, जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज जो आयोजन कर रहा है इस, उनको मेरा नमस्कार जोहार, और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से जो मैम उपस्थित हैं, गर्ग मैम और पाल मैम, दोनों को मेरा जोहार और नमस्कार। और मैं देख रहा हूं कि अभी भी 64 लोग इस लिंक में जुड़े हुए हैं, तो अजिता नरेंद्रन मैम और शिल्पा चौधरी मैम सबको देख रहा हूँ, चारुकला मैम सबको मेरा जोहार और नमस्कार, आयुष जी को, सबसे ज्यादा तो शशि जी को जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं देख रहा था वो रिसर्च पेपर्स की सूची, तो अजब तरह की खुशी हो रही थी कि मैं क्यों जुड़ा नहीं रहा, क्योंकि झारखंड के भी कई पेपर्स इसमें आए हैं, इतिहास के भी और असुर लोगों के की भाषा पर भी, बाहा हमारे यहाँ संथालों का धर्म ये पर्व है उस पर भी पेपर्स आए हैं, जंगल महाल पर पेपर आया है, और जो हील कुली मतलब कि हमारे यहाँ के ट्राइबल लोग जो मॉरिशस और सूरीनाम गए थे, सबसे पहले भेजे गए थे हिल कुली के नाम पर, उस पर एक शोध पेपर मैं देख रहा हूँ। मेरे छोटे भाई सुवेंद्र हंसदा सुवेंद्र शेखर, उनके आदिवासी विल नॉट डांस, उस पर पेपर देखा मैंने, निर्मला पुतुल जी पर, महाश्वेता देवी पर, ममंग दई पर, इतना संपन्न वो अद्भुत है ये, मतलब इतने अच्छे पेपर्स आए हैं। मैं मुझे तो मैं शशि से चाहूंगा कि अगर पेपर आपके पास आते हैं तो कुछ पेपर्स तो
मैं देखना चाहूंगा इतना, मतलब एक तो विभिन्नता डाइवर्सिटी इतने तरह का है, वो हेल्थ भी है, नीतियों पर भी है, स्वास्थ्य पर भी है, इतिहास पर भी है, भाषा पर भी है, साहित्य पर भी है, मतलब कि जिन्होंने भी जो योजना बनाई है इसकी उनके लिए मैं हजार हजार जोहार बोलता हूँ। अद्भुत है। मैंने साल भर तो जब से ये कोरोना आया है और वेबिनार हमारे सामने आया है तो कई वेबिनार्स में शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन जितनी विविधता आपने, चाहे जानकी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली ने या आपने दोनों लोग ने मिलके इतनी विविधता आपने उत्पन्न किया है या समेटा है, और संगीता दास गुप्ता में, मूसा किरण खान, मतलब कि अद्भुत है ये। मतलब कि मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी बहुत प्लानिंग की गई होगी और बड़ी मेहनत की गई होगी, सबों से पहले स्वीकृति लेना, उनसे पेपर तैयार करवाना, बहुत बहुत खूबसूरत बात है ये। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आदिवासी संस्कृति, मैं 30 साल से हूँ झारखंड में और राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया हूँ, तो शुरुआत में मुझे गांव में ही रहने का 15 साल का अवसर मिला है, जिसने पूरा नजरिया मेरा बदला और एक तरह से मेरा पूरे देखने का सोचने का तरीका बदला, जिसे मैं सौभाग्य समझता हूँ। तो जो संस्कृति पर बात की जा रही थी, लर्निंग और अनलर्निंग की, वो बड़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो स्टीरियोटाइपिंग है आदिवासियों के संदर्भ में वो बड़ा गजब है, और अंडमान निकोबार के आदिवासियों को देखकर या जो पीवीटीजी ग्रुप्स है 75 हमारे पूरे देश में, जो अत्यंत कमजोर जनजाति समुदाय है, उसके अपने आर्थिक और भौगोलिक कारण है, उनकी बसावटें ऐसी जगह पे है जहाँ खेती ही नहीं हो सकती है ठीक से, तो वो कमजोर वर्ग है, लेकिन आदिवासी समुदाय को एक होमोजेनियस ग्रुप मानकर हम सबके प्रति, वो अंडमान निकोबार के आदिवासियों की तरह अगर हम सोचने लगते हैं, या जो फिल्मों में या कई चीजें जो हमारे मन में बैठ गई हैं कि वो या तो योद्धा हैं, तीर तलवार उठा के वो युद्ध ही करेंगे, या फिर वो चांदनी रात में मांदर बजाकर और ढोलक बजाकर डांस करेंगे, ये दो चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, ये जो रूढ़ी है, इसको तोड़ने की आवश्यकता, मुझे लगा है कि दो दिन के बातचीत में ये रूढ़ी टूटी होगी निश्चित तौर पर। और जो प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव की बात हो रही थी, जो मैं गर्व में दोहरा रही थी कि पद्मश्री मैडम ने जिस ढंग से बातें रखी, तो सचमुच में उनकी उनकी जो संस्कृति है, उनका जो अध्यात्म है, उनका जो धर्म है, उसके मूल में प्रकृति है। एकदम सही कहा गया कि वहां समता का बोध इतना बड़ा है, उस समता का बोध इतना व्यापक है, उस समता का बोध, कि अगर हम तुलना करके देखें कि जिन महान धर्मों पर हम गर्व करते हैं कि हम गर्व से कहो फलाना है, तो सारे जो संस्थागत धर्म है और अध्यात्म है, उनके चिंतन के केंद्र में मानव है, वो मानव के सुख की कामना करते हैं, दुखों से मुक्ति की कामना करते हैं, दैहिक और दैविक और पराभौतिक सब, यहां भी उनको सुख मिले, दुखों से मुक्ति मिले, और मरने की मृत्यु के बाद जहां वो जाते हो, वो जन्नत हो या स्वर्ग हो या हेवन हो, वहां भी उनको सुख मिले। तो पूरी जो अनुष्ठान है या वो तीर्थ यात्राएं हैं, चाहे वो जेरूसलम की हो या हज की हो या तिरुपति में जाकर सोना चढ़ाने की हो, उसके पीछे उद्देश्य मानव की भी नहीं, पूरे मानव समुदाय की बात नहीं करता है, लोग अपने और अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं लोग, और लेकिन केंद्र में मानव होता है। तर्क यह होता है कि चूंकि सृष्टि में मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, ये सारे दर्शनों में भी ये बात आती है कि क्यों श्रेष्ठ प्राणी है, तो उनके उनमें चिंतन की क्षमता है, और चिंतन नहीं कर सकते हैं, मानव ही चिंतन कर सकता है, ये आत्मुग्धता की स्थिति है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो जगदीश चंद्र बसु जी का वो शोध आ गया था कि वनस्पतियों में भी पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, वो सेंसिटिव होते हैं, और छुई में ही पौधे को छूकर हम लोग देखते थे कैसे उनकी पत्तियां जो है सिमट जाती हैं स्पर्श करने से, तो इसका अर्थ है कि संवेदनशील तो वो भी है। फिर इधर जो बातें आई हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कितनी आत्मुग्धता की स्थिति में है ये मानव समाज की, हम ही चिंतन कर सकते हैं।
तो एक केवल उदाहरण दूंगा कि 80s में हम लोगों ने इंटरनेट, इंसान ने इंटरनेट की तलाश की, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की तलाश की 80s में, और 90s से उसका उपयोग करना उसने शुरू किया, क्योंकि हम लोग श्रेष्ठ प्राणी है, हम इंटरनेट से और उसी नेट के सहारे हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं, हम मेरी बात पहुंच भी रही है, बड़ी गर्व है हमको इस बात पे। मैं बताना चाहता हूं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो नैसर्गिक जंगल है, वन है, वैज्ञानिकों की किताबें आई हैं और सबको सॉफ्ट कॉपी है, वो गूगल पे है भी, वो वेबसाइट पे है, कि जो आप कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, तो उस नेचुरल फॉरेस्ट के कंसर्न में वो वुड वाइड वेब है, यानी कि नैसर्गिक जंगल के पेड़ों की जड़ों से फंगस का एक नेट निकलता है जो पूरे जंगल को, सारे पेड़ पौधों को और वनस्पतियों को, पौधों को, झाड़ियों को जोड़कर रखता है। पहली बात तो नेट वहां भी है, वुड वाइड नेट है, वो वुड वाइड वेव है। और लेकिन अंतर यह है कि हम अपने इंटरनेट के माध्यम से केवल कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, अपनी बात आपको पहुंचा रहे हैं। लाखों साल से ये जंगल जो है, नेचुरल फॉरेस्ट जो है, अपने नेट के माध्यम से न केवल कम्युनिकेट कर रहा है आगत खतरों के प्रति, बल्कि अगर कोई पेड़ पौधा झाड़ी सूख रही है, उसके यहाँ न्यूट्रिएंट किसी कारण से नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट भी उस नेट के माध्यम से पहुंचाता है बीमार पड़ रहे पौधे को, पेड़ को जो सूख रहा है या गिर गया है किसी कारण से। आप देखेंगे जंगलों में गिरा हुआ पेड़ से भी हरियाली, एक नए हरा वो अंकुर निकलता है और एक नया पेड़ निकलता है। तो उसके पीछे यही है कि लाखों साल से वहां वो नेट का है, वो फंगस का जो नेट है नेचुरल फॉरेस्ट, वो काम कर रहा है। इसका अर्थ है कि चिंतन की क्षमता वहां भी है, वनस्पतियां भी चिंतन करती हैं। उस ढंग से जीव जगत के बारे में तो बहुत सारे हम लोग के फेसबुक के वो वीडियोज में कि कितने सेंसिटिव होते हैं जो पेट्स हैं, वो चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो या जंगलों के भी, कितनी संवेदनशीलता है कि अगर कोई लियोपार्ड या कोई चीता या बाघ किसी गर्भवती हिरनी को मारता है और बच्चा है, तो उस बच्चे को फिर बचाता है वो। तो ये संवेदनशीलता तो है। इसलिए अगर आदिवासी ये मानता है कि हम सृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है, हमारी हैसियत उतनी है जितनी कि इस पृथ्वी पर एक चींटी की है, एक पौधे की है, और वो इक्वलिटी का भाव रखता है सारे जीव जगत के साथ, सारे वनस्पति जगत के साथ, तो उसके बड़े हृदय की, हृदय के आयतन के व्यापकता का अंदाज लगाना चाहिए। और अभी जो COVID-19 के सेकेंड वेव में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं, वो WHO की जो डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल हैं और सीनियर साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि जब तक हम कॉर्डियल रिलेशनशिप हम एनिमल किंगडम के साथ और प्लांट किंगडम के साथ नहीं स्थापित करेंगे, उनके साथ कॉर्डियली रहना नहीं शुरू करेंगे, तो ये इतना जूनोटिक डिजीज जो है जंगलों से और बंदरों और चमगादड़ों से जो आ रहे हैं माइग्रेट, वो सारे कभी बंद नहीं हो सकते हैं वायरस। तो वो साइंस भी ये कह रहा है कि हमें वनस्पतियों और जीवों के साथ सहजीविता के साथ जीने की आवश्यकता है, और आदिवासी लाखों साल से, हजारों साल से ढंग से जी रहा है। तो आप भविष्य की बात कह रहे हैं, उसमें हाँ वर्तमान भी है, भूतकाल भी है और भविष्य भी है। तो भविष्य का दर्शन जो उसकी संस्कृति का मूल आधार है, जो हमारे भविष्य का दर्शन होने वाला है, वो आदिवासी के पास है, और हम उसको कुछ प्रिमिटिव टाइप की चीज सोचकर, कुछ अविकसित सोचकर, कुछ ढंग की बातें करते रहते हैं। उसे बहुत बदलने की आवश्यकता है अपनी दृष्टि की। इतिहास में भी जो अगर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को अगर हम देखते हैं, तो कैसे हमारे यहाँ राजतंत्र का विकास हो रहा है मगध में, तो मगध को दिक्कत जो है वो जनजातीय गणतंत्रों से है, जो बज्जी महासंघ के तौर पे अपने को संगठित करके मगध से वो संघर्ष कर रहा है, और वो षड्यंत्र पूर्वक कैसे हराया जाता है और कैसे पीछे ठेला जाता है। और फिर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय बताते हैं कि कैसे कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र में बताते हैं कि कैसे इन आदिवासियों को, इन जनजाति गणराज्यों को विघटित करके 10-10 की संख्या में जंगलों में बसाना चाहिए, और उसके बावजूद भी गुप्त काल के समय से ब्रिटिश काल तक राजगुंडों ने लंबा शासन किया, असम में अहोम लोगों ने लंबा शासन किया, बिहार में चेरो लोगों का शासन रहा लंबा। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि शासक भी थे, और जहां जहां शासक थे तो कई डायनेस्टीज का जो है वो क्षत्रियकरण हुआ और राजपूत में शामिल हो गए। तो हम आदिवासियों को एक स्टीरियोटाइपिंग, एक रूढ़ी
वाली नजरिए से देखने की एकदम आवश्यकता नहीं है और बहुत कुछ उनसे सीखने की आवश्यकता है। उनके यहाँ जो जाति और वर्ण व्यवस्था का अभाव है, जो इगलिटेरियन सोसाइटी है, समतावादी सोसाइटी है, उससे सीखने की आवश्यकता है। वहाँ हाथ से मेहनत करने को गर्व की बात माना जाता है, वर्ण व्यवस्थावादी समाज की तरह नहीं कि जो हाथ से मेहनत करते बहुत छोटे होते हैं। वहाँ पाहन और मानकी साहब भी जो कई गांवों के प्रधान होते हैं वो भी हाथ से मेहनत करते हैं। स्त्रियों के प्रति बहुत सहज सम्मान का भाव है और जो प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव है, न केवल भौतिक बल्कि पारा भौतिक भी। उनके जो परम पिता है वो साल वन के जो पेड़ों का जो समूह है उन्हीं पेड़ों पर उनका, वो चाहे सिंह बोंगा हो या धर्मे हो या आदिदेव हो, उन वृक्षों पर ही वो, ठीक है कि सांख्य दर्शन में भी प्रकृति और पुरुष की बात हो रही है लेकिन यहाँ निश्चित तौर पर प्रकृति और परम पिता में ही वो देख रहे हैं चीजों को। सांख्य दर्शन वहां से निकल रहा है। तो ये जो खूबसूरत चीजें हैं, ये जो वहाँ विभिन्नताएं हैं और संस्कृति की जो बहुत ही खूबसूरत रूप है, मुझे लग रहा है कि दो दिन इस पर बात हुई होगी लेकिन कुछ चीजें मैं देख रहा था विषयों में कि अगर वो इम्पैक्ट ऑफ हेड हंटिंग और नागा आर्ट्स या बीच हंटिंग एंड इंस्टांसेज जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, तो ये विषय जो है बीच हंटिंग की बात या हेड हंटिंग की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे वो आदिम प्रिमिटिव वाली बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है। एक बात तो बीच हंटिंग की समझ लें इस बात को कि जैसे ही मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज में सत्ता चली गई पिताओं के पास, पुरुषों के पास, तो आज भी जहां जिस समाज में या जहीं जिस स्थान में किसी ढंग से इम्पावर्ड कोई स्त्री है, अगर वो ज्ञान में बढ़ी हुई है या धन संपदा में बढ़ी हुई है तो वो शुरुआत हो जाती है उसकी दानवीकरण का प्रोसेस, एक डेमोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है और अंततः वो कुछ सालों में स्थापित कर दिया जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये डेमोन है, ये विच है। तो ये उसको आपको मातृसत्ता से पितृसत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया के तौर पर इसे देखना चाहिए। कोई ये आदिवासियों के माथे पर लगा हुआ कलंक नहीं है, ये तो मैं मगध वाले इलाके में भी बीच हंटिंग देखता रहा हूं और उन स्त्रियों का जो किसी ढंग से या तो भोकल हैं वो, या कोई जमीन की प्रॉपर्टी उनके पास है या ज्ञान की क्षमता उनके पास है, वो बदनाम की जाती है। और तो कुछ चीजें हैं जो रहेंगी, वो धीरे धीरे दूर होंगी। लेकिन मैं देख रहा था सूची और असुरों के भाषा के नष्ट होने पे कैसे प्रयास हो रहे हैं बचाने के असुरों के द्वारा, ये बात कर रही हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका। इतना सुखद मेरे लिए विषय था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैठ के असुरों की भाषा पे चिंतन किया जा रहा है। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा जानकी मेमोरियल कॉलेज से और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज से कि कुछ पेपर्स निश्चित तौर पे बहुत लाभकारी हैं। कुछ तो हमारा संस्थान भी जो है, जो हिलकुली वाला जो मामला है या जंगल महाल के इतिहास पे जो बात हुई है उस पर मेरा संस्थान भी काम कर रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कुछ विषयों पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम दूर में भी हो रहा है, दिल्ली में बैठ के हो रहा है, अंडमान निकोबार में बैठ के हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद था और इन इन शोध पत्रों की सूची से गुजरना ही मुझे बहुत रोमांच पैदा कर रहा है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ आप सबों के प्रति कि आपने मुझे जोड़ा इस कार्यक्रम में और मेरी वो ज्ञान वृद्धि हुई, मैं चैतन्य हुआ कि ये इन विषयों पर अन्य जगहों पर भी बात हो रही है, चिंता हो रही है। मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ और सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और अपना जोहार बोलता हूँ। जोहार। बहुत बहुत आभार श्री रडेन जी। आपने विज्ञान, साहित्य, इतिहास, धर्म, अध्यात्म और दर्शन से भी तमाम उदाहरण दे करके बेहद प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी है। आपने वर्ल्ड वाइड वेव की तर्ज पर वुड वाइड वेव की एक नई संकल्पना दी। आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि आदिवासियों को देखने की हमें दृष्टि बदलनी होगी, हमें उन रूढ़ियों को छोड़ना होगा,
आप आदिवासियों के बीच में रहे हैं, रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं और आप उनके हृदय के आयतन से परिचित हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो बड़े हृदय के आयतन वाले हैं। आपने आदिवासी जनजीवन की कुछ कमियों की तरफ भी संकेत किया और एक महत्वपूर्ण खूबी की तरफ बात की कि वहां स्त्रियों का सम्मान है, प्रकृति से लगाव है और उनकी भाषा पर भी आपने प्रकाश डाला। मित्रों, मैं बता दूं कि अभी 4-5 साल पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बोवा सीनियर नाम की महिला थी जो अकेली बोलने वाली थी बो भाषा और उनके निधन के साथ ही बो भाषा हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गई। तो हमें इस तरह के विमर्शों की, संगोष्ठियों की असली सार्थकता वही है जब हम उन चीजों को बचाने के लिए वाकई गंभीरता से काम करें। यह संगोष्ठी श्री रणेन जी के वक्तव्य से सफलता के चरम पर पहुंची है। मैं बहुत हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। मित्रों, बिना प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के कोई भी संगोष्ठी सफल नहीं हो सकती है। हमारे कुछ साथी जो प्रतिभागी साथी हैं, JDMC की प्राचार्य प्रोफेसर स्वाति पाल जी को तब से जान रहा हूं जब से हमारा MOU साइन हुआ है और इसके बाद हमने कई मीटिंग की और उसमें आपका जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है उससे हम बराबर परिचित होते हैं। कोई भी छोटी से छोटी मीटिंग हो आप हमेशा उपस्थित रहती हैं, हमारा उत्साह वर्धन करती हैं और मैं सच कहूं तो हम तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और हमें सचमुच एक नई ऊर्जा का संचार किया है प्रोफेसर स्वाति पाल के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में JDMC ने। मैं बेहद आदर के साथ प्रोफेसर स्वाति पाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर स्वाति पाल जी, थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा, अभी मेरे गले में शायद एक फ्रॉग है और वो फ्रॉग की आवाज आपको पहुंचेगी, मेंढक की आवाज आपको पहुंचेगी। पर हाँ, थैंक यू सो मच शिल्पा फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक डिस्पाइट दिस वॉइस। मिस्टर रिनेंद्र, आपका वक्तव्य सुनकर मैं बिल्कुल मुग्ध थी क्योंकि आपके वक्तव्य में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो पूरा छलक रहा था। हम सब एकेडमिक तौर से काफ़ी कुछ रिसर्च करते हैं, फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिशनर का, एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक्सपीरियंस रहता है उसका, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। और आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि इस सेमिनार के बाद हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, और मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, डॉक्टर रूबी भारद्वाज एंड मिस चारू काला, प्लीज टेक अ बाउ। उन्होंने ये तय किया है कि वो पेपर्स इनवाइट करेंगे, वो और उनकी पूरी टीम, बहुत सारे मेरे यहाँ पे कोलीग्स हैं जानकी देवी से, और हाँ MGCC के भी जो हमारे को कोलैबोरेटर्स हैं वो भी यहाँ बैठे हैं। तो हम एक पुस्तक निकालने वाले हैं, उसको हम कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स नहीं बोलेंगे, हम एक प्रॉपर पुस्तक निकालेंगे क्योंकि हम इनवाइट करेंगे ऐसे भी लोगों को जिन्होंने शायद प्रेजेंट नहीं किया लेकिन वो शायद किताब में अपना आर्टिकल देना चाहेंगे। सो इट विल बी देयर फॉर ऑल टाइम्स एंड ऑफ कोर्स जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज विल टेक द लीड फॉर दैट एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल
टू एवरीबॉडी आई हैव टू ओनली से वन थिंग हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द कॉलेजेस I am so grateful, and I know that Professor Prabhuram is also as grateful as I am to our co-workers, our colleagues, for taking this forward. And it has been a brilliant success. And the best part is, जिस बात से मुझे बड़ी ताज्जुब भी हुई और MGCC अब तो हम आप ही के साथ सेमिनार करेंगे क्योंकि इन दो दिनों में इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. देखिए जरा, ये तो बिल्कुल कमाल की बात हो गई. तो आप हमारे लकी मैस्कॉट हैं और अब हम आप ही के साथ सेमिनार करेंगे. तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री रणेंद्र जी, आपका खास करके आज के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच for you know your wonderful wonderful speech. I really enjoyed listening to it. Professor Prabhuram, I look forward to many many more ventures between our two colleges. And my dear friends, my dear colleagues from Janki Devi, my vice principal Dr. Sandhya Garg, who gave such an excellent speech also, and my nodal officer Shilpa Chaudhary, and all the equivalents in MGCC. Ajita, I have never seen such a detailed report. You know, I didn't feel I've missed anything because you told me everything through your report. Wonderful report. So thank you very much. Thank Let's you. Take this forward. Ruby and Charu, a special thanks to the two of you and your wonderful team that has been doing all the groundwork. Wonderful, absolutely wonderful. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अच्छी जानकारी दी, सूचना दी कि हम इस पूरे कार्यक्रम की प्रोसीडिंग को प्रकाशित करेंगे. मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि मैं इलाहाबाद से एक रुद्रादित्य प्रकाशन नाम का पब्लिकेशन हाउस भी चलाता हूं यहीं रह करके. तो अगर कोई प्रकाशक सहजता से उपलब्ध नहीं होता है तो आप मुझे बस एक मैसेज कर दें और वो किताब हफ्ते भर अंदर छप करके हमारे बीच होगी. बहुत बहुत आभार मैम आपके प्रोत्साहन के लिए. और अब मैं प्रतिभागियों के प्रतिक्रिया के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं दिव्या पिल्लई जी को. डॉक्टर दिव्या पिल्लई, गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम प्रोफेसर दिव्या पिल्ले, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएनपी एड्स एंड कॉमर्स कॉलेज दिसा, ऑफ बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. आई एम टोटली एंजॉयड एंड लर्न्ड अ लॉट इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एंड फाउंड द सेमिनार वाज रियली हेल्पफुल एंड वन ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार एंड द वर्चुअल फॉर्म. वी स्पेंट अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वेरिएबल टू डेज विद ऑल दी स्कॉलर्स. Knowledge of the experts and presenters were excellent. It was a well-organized seminar with time management. Sincerely thankful to Janki Devi Memorial College of Delhi University, Mahatma Gandhi Government College, Pondicherry University for organizing this seminar and giving me a chance to share my view on this seminar. The seminar was very inspiring and delighted. Thank you, Shashivumar sir, and the entire team behind this success. Thank you all. Thank you, ma'am. Vinita Oshin, Miss Vinita Oshin. Vinita. सर शायद उनकी नेटवर्क की दिक्कत है सर. नहीं वो है, अभी वो अंडमान निकोबार से ही है. अभी अभी विनीता ने ज्वाइन किया है तो मैं चाहता था कि यहाँ से भी एक प्रतिक्रिया हो जाए. विनीता विनीता गुड इवनिंग. यस सर. गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज विनीता. मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ. बिलोंग विनीता, वीडियो ऑन करिए.
सर एक्चुअली नेटवर्क इज नॉट वेरी गुड हियर सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इस टुडे सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिला थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद विनीता हमने जानबूझ करके विनीता को चुना था विनीता उसी समुदाय से हैं जिनकी समस्याओं पर या जिनके जीवन पर हम यहाँ विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो अब जाकर के यह संगोष्ठी पूर्णता को प्राप्त होती है और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बीबी मंडल जी को बीबी मंडल विद्या विस्तार स्कीम के नोडल ऑफिसर हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर है श्री बीबी मंडल जी थैंक यू शशि सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स सो गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल जेडीएमसी न्यू दिल्ली in collaboration with MGGC Mayabandar, Andaman and Nicobar Islands, organized a national level seminar on online mode under the heading Tribes Learning and Unlearning Tribal Culture. Under the Vidya Vistar Scheme, University of Delhi on 9 and 10 December. So on behalf of JDMC and MGGC, I Vidhu Bhushan Mandal, Nodal Officer Vidya Vistar Scheme, MGGC, Andaman Nicobar Islands, would like to thank the distinguished chief guest and keynote speaker of the inaugural session of this seminar, Padma Shri Professor Anvita Abhimam, for sparing her valuable time and blessing with her mind-blowing words and motivational speech. I would like to thank the distinguished chief guest of this valedictory session, Sri Ranendra, an eminent Hindi writer and IAS officer, for his brilliant and inspiring speech. I would like to thank Professor K. Ratnavali, Dean Academic Activities and Projects and Coordinator of Vidya Vistar Scheme, University of Delhi, for her motivational address. I would like to thank Professor Swati Paul, Principal JDMC, and Professor Dr. B. Prabhuram, Principal MGGC, patrons of this national seminar, for their joint efforts and initiatives to organize such an inspiring academic program. I thank Professor Sandhya Garg, Vice Principal, JDMC, for her valuable presence over here in this valedictory session. I sincerely thank to all the chairpersons of all the sessions. I thank the chairperson, Professor Roma Chatterjee, the chairperson, Professor Sudha Vasan, the chairperson, Professor Lam Khan Piang, the chairperson, Professor Nilika Mehrotra, the chairperson, Professor Vibhuti B. Mohanty, the chairperson, Dr. Antara Datta, the chairperson, Professor M. Amarjit Singh, the chairperson, Professor Padmashri Dr. Usha Kiran Khan, the chairperson, Professor Sanjay Hajarika, and the chairperson, Dr. Changita Dasgupta. I would like to thank all the moderators and paper presenters of all the sessions for their active and vibrant presentations of their selected papers. I extend my sincere thanks to all other dignitaries and participants for their prompt and active participation in this program from the beginning till the end.
I also thank Dr. Ajita Narendran, IQSC coordinator, MGGC, and Annamalai Islands for reporting the report of this 2 days. Last but not the least, I would like to thank the patrons of this seminar, Professor Swati Pal, Principal JDMC, New Delhi, and Professor Dr. B. Prabhuram, Principal MGGC, Andaman and Nicobar Islands. I would like to thank Dr. Shilpa Chaudhary, IQSC Coordinator, Nodal Officer, Vidya Vistar Scheme, JDMC, Delhi. I would like to thank Dr. Ajita Narendran, IQSC Coordinator, MGGC, Mayabandar, Andaman and Nicobar Islands. I would like to thank the seminar coordinators, Dr. Ruby Bharadwaj, Department of Sociology, JDMC, Ms. Charukala, Department of Sociology, JDMC, Dr. Shapan Kumar Biswas, Department of Political Science, MGGC, Andaman Nicobar Islands, Dr. Shashi Kumar Singh, Department of Hindi, MGGC, Andaman Nicobar Islands. I would like to thank the core organizing team of this seminar, Dr. Bijoyata Yanjon, Department of Economics, JDMC, Dr. Renuka, Department of Political Science, JDMC, Ms. Thorian Thang Liu, Department of Sociology, JDMC, Mr. Ankan Dhar, Department of English, JDMC, Mr. Arun Kumar, Department of English, JDMC. I would like to extend my sincere thanks to all the members of technical and reporting team of the seminar. Mr. Surinder Kumar, AO, JDMC. Mr. Manoj, Senior Technical Assistant, JDMC. Mr. Deepak, Computer Lab Assistant, JDMC. Finally, I would like to thank all the personalities involved for the successful completion and make this seminar a grand success. Thank you. Thank you one and all. Thank you. Thank you very much. May I request everyone to switch on their videos? Tech team. Tech team, have you managed to thank you? To yes, thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, शानदार आयोजन रहा ये और मैं प्रोफेसर स्वाति पाल जी प्रोफेसर बी प्रभुराम जी और आज के मुख्य अतिथि श्री रविंद्र जी की अनुमति से आज के इस आयोजन को समाप्त करना चाहता हूँ सर हमारे प्रिंसिपल कुछ कहना सभी ने इस आयोजन को सफल बनाया है आप सभी का आभार इट्स ओके आई जस्ट वांटेड टू से That the organizing team, kudos to you. Get a good night's rest. अब आप लोग जाके अच्छे से रात से सोइए. I think you've had 2 nights of worry. Now you can sleep well tonight for a job very well done. Excellent. Thank you. Thank you, ma'am, for your blessings. Thank you, ma'am. Good night, everyone. Thank you, Radhen sir. नमस्कार थैंक यू मैम थैंक यू सर थैंक यू नमस्कार जोहार सबको जी जी धन्यवाद सर जोहार जय जय आप सभी को प्रणाम